नाउ वी स्टडी मैप एंड ग्लोब। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैप और ग्लोब के बारे में। आवर अर्थ इज़ ए वेरी वास्ट एंड स्पेरिकल इन शेप। जो हमारा अर्थ है बहुत फास्ट है, बहुत बड़ा है, और किस शेप में? स्पेरिकल शेप में। वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इवन इफ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। क्या जो हमारा अर्थ किस शेप में? स्पेरिकल शेप में, और इसके हम सिर्फ स्मॉल पार्ट कम छोटे पार्ट को ही देख सकते हैं। तब देख सकते हैं जब हम लोग सबसे टॉलेस्ट सबसे लंबी बिल्डिंग पे खड़े हो जाएंगे, वर्ल्ड के सबसे लंबे बिल्डिंग पे खड़े जाएंगे, तब भी पे हम सब इसका स्मॉलेस्ट पार्ट ही देख पाएंगे। इवन फ्रॉम द स्पेस वी कैन नॉट सी ऑल इट पार्ट एट द सेम टाइम। और क्या कि जब हम स्पेस में से भी देखेंगे तो ये हम जब स्पेस में से भी अर्थ को देखेंगे तो इसके पूरे पार्ट को हम एक साथ नहीं एट द सेम टाइम हम नहीं देख पाएंगे, एक समय में इसके सारे पार्ट को नहीं देख पाएंगे। देन हाउ वुड वी स्टडी एंड कंपेयर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अब हम ये कैसे कि हम कैसे अर्थ को पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, उसके दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को बारे में कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। वी कैन ऑल्सो नॉट रीच फ्रॉम प्लेस ऑन इट। नॉट सर्च प्लेस ऑन इट। और हम किसी सर्च और एक ही समय में इस जगह को हम सर्च मीन्स खोज नहीं पाएंगे। टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट हैव मेड ग्लोब एंड मैप्स। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने ग्लोब और मैप का आविष्कार किया। लेट्स नो अबाउट देम इन दिस चैप्टर। और हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम मैप और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन ड्रॉ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर। हम ड्रॉ कर सकते हैं अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पे, एक समतल फ्लैट सरफेस पे। सरफेस मीन्स सतह, पेपर पे। दिस इज कॉल्ड मैप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब हम लोग अर्थ के और उसके पार्ट को हम लोग एक फ्लैट सरफेस पे, एक फ्लैट इस तरह का फ्लैट सरफेस ऐसा होगा समतल, उस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? मैप होगा। वी कैन ऑल्सो मेक अ राउंड मॉडल ऑफ द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ। और हम क्या अर्थ के जो एक्चुअल शेप है, वास्तव में जो शेप है, उसको भी मॉडल उसका भी बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोब। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। नाउ स्टडी अबाउट ग्लोब्स। अब हम पढ़ेंगे इस ग्लोब्स के बारे में। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है, एक रूपरेखा है। इट इज शेप्ड लाइक द अर्थ। और ये शेप मतलब आकार, ये किस तरह का, किस आकार में? अर्थ के आकार का ये। इट हेल्प अस टू सी डिफरेंट प्लेसेस ऑन इट। और ये क्या मदद करता है ग्लोब? हमें किस चीज़ें मदद करता है? अलग अलग जगह और अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट जगह को जानने में, देखने में मदद करता है। एट अ टाइम वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ ऑन ए ग्लोब। एक समय में ग्लोब पर सिर्फ अर्थ का हाफ पार्ट ही देख पाएंगे। वी कैन स्पिन द ग्लोब टू सी द अदर पार्ट। और स्पिन मतलब घुमाना। हम अर्थ को अदर पार्ट को देखने के लिए अर्थ के मॉडल को स्पिन कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इट ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट द एरिया ऑफ द अर्थ दैट आर लैंड और वाटर। और ये हमें क्या, जो ग्लोब है हमें किस चीज़ का और नॉलेज दे सकता है, आइडिया दे सकता है? अर्थ के कौन से पार्ट में लैंड है, भूमि, और कौन से पार्ट में वाटर है। थ्रू ग्लोब्स आर हेल्पफुल, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इट यूजेज। थ्रू ग्लोब आर हेल्पफुल, जो हमारा ग्लोब है बहुत मददगार है, हेल्पफुल है। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद देम। कुछ इसमें थोड़े कुछ प्रॉब्लम होते हैं यूज करने में। वी कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम। अर्थ ग्लोब पर हम एक समय में एक ही पार्ट देख पाते हैं अर्थ का। वी नीड टू टर्न इट राउंड टू लुक अनदर पार्ट। और इसको टर्न करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है अर्थ के दूसरे पार्ट में देखने के लिए। दिस मेक्स कंपेयरिंग डिफरेंट प्लेस लिटिल डिफिकल्ट। कंपेयरिंग मतलब तुलना करना। तो यह क्या करता है, अर्थ के एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कंपेयर करने में, तुलना करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑन ए स्मॉल ग्लोब इट इज़ डिफिकल्ट टू शो मेनी प्लेसेस एरिया ग्रेट डिटेल।
टू सो मेनी प्लेसेस और एरिया इन ग्रेट डिटेल। अ बिग ग्लोब वुड बी डिफिकल्ट टू कैरी, और एक बड़ा ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम में फेस करना पड़ता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्लोब, हेयर आर द पिक्चर ऑफ ग्लोब, जो अर्थ की तरह ही दिखता है। एंड वी कैन सी ओनली वन पार्ट हेयर, वेन वी स्पिन दिस ग्लोब देन वी सी अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब एंड लाइक वी कैन सी डैट अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। नाउ वी स्टडी अबाउट मैप, अब हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। मैप क्या है, अर्थ का एक ड्राइंग है और उसके पार्ट का ड्राइंग है, उसके मतलब एक पार्ट का, एक छोटे से पार्ट का, भाग का ड्राइंग है। मैप आर मच ईजियर टू मेक, जो मैप है बहुत आसान होता है इसको बनाना। फॉर अ ग्लोब वी वुड रिक्वायर अ राउंडेड बॉल विथ अ ब्लॉक ऑफ मिडिल एंड फ्लैटन ऑन द बोथ द एंड। क्या है, क्या बोल रहा है, जो ग्लोब है उसको बनाने में हमें क्या चाहिए, एक राउंड बॉल चाहिए और उसके मिडिल को फ्लैटन और उसके एंड, जो बोथ एंड होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको फ्लैटन करने में इसके कंपेरिजन में मैप बनाना बहुत आसान होता है। एक मैप को हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैट पेपर पे बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अ सिंपल पीस ऑफ पेपर कैन यूज टू मेक मैप, और दूसरे तरह हम देख सकते हैं कि मैप को बनाने के लिए क्या, एक छोटा सा एक सिंपल पेपर चाहिए और उस पर हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। वी कैन फोल्ड इट, वी कैन रोल इट एंड कैरी इट व्हेनेवर वी वांट। क्या मैप को हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, या इसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं जहाँ हम चाहें। वी कैन हंग इट ऑन द वॉल, हंग मीन्स टांगना, इसको हम अपने वॉल पे, अपने किसी दीवार पे टांग सकते हैं और उसके लुक एट इट और इस पर हम देख सकते हैं। वी कैन कैरी इट विथ अस एंड चेक व्हेन वी वांट टू फाइंड अ प्लेस, इसको हम अपने साथ ले जा सकते हैं, जहाँ चाहे इसको ले जा सकते हैं और जब हम चाहें इसको चेक कर सकते हैं, जो चीज़ के बारे में जानना चाहे मैप से हम जान सकते हैं। व्हेन मैप आर कलेक्टेड टुगेदर इन अ बुक वी कॉल इट एन एटलस। क्या बोल रहे हैं, एटलस क्या होता है, बहुत सारे मैप के कलेक्शन, मतलब समूह, बहुत सारे मैप के कलेक्शन को एक बुक में कर देते हैं, बुक की तरह कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, बना देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटलस बोलते हैं। मैप कैन बी ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, मैप क्या हो सकता है, ये पूरे अर्थ का बन सकता है या उसके आधे पार्ट का भी, ऑफ कंट्री और इवन स्मॉल प्लेसेस, एक पूरे पार्ट का, कंट्री का या उसके छोटे से भागे का। वी कैन इवन ड्रॉ अ मैप ऑफ आवर नेबरिंग नेबरहुड टू हेल्प समवन रीच आवर हाउसेस, हम मैप को क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं अपने नेबरहुड के बारे में जानने के लिए, जिससे हम अपने घर को आसानी से पहुँच सकते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ओशियन और कॉन्टिनेंट। ओशियन मीन्स क्या होता है, सागर होता है, एंड कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो अर्थ का सर्फेस है कैसे बना है, किस दो चीज़ से बना है, लैंड और वाटर से बना है। अबाउट द थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, जो अर्थ का तीन चौथाई भाग है किस चीज़ से कवर, किस चीज़ से, इसमें क्या है, वाटर है। एंड द जो उसका 3/4 के बाद जो जितना भी पार्ट बचा है वो कौन से फॉर्म में है, लैंड के फॉर्म में। अर्थ के कितने पार्ट पे वाटर है, 3/4 के, और अर्थ के कितने और जितने भी रेस्ट पार्ट में है वो वाटर, वो लैंड है, और जो लैंड कितने पार्ट में होगा, 1/4 पार्ट में होगा। द वाटर इज द फॉर्म ऑफ ओशियन रिवर लेक एंड ग्राउंड वाटर, जो वाटर है, जो अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिवर लेक ग्राउंड वाटर, इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट है। सम ऑफ दीज वाटर बॉडी हैव बीन मार्क इन गिवन मैप, जो ये मैप दिया हुआ है इसमें कुछ वाटर बॉडीज दिखाया गया है। इन बिटवीन दीज वी कैन सी द लैंड एरिया, और इसके बीच में हम लोग देखेंगे कुछ लैंड एरिया, लैंड। ओशियन आर द ह्यूज वाटर बॉडी कैन बी सीन ऑन द मैप, जो ओशियन है सबसे बड़ा पार्ट वाटर बॉडी है, हम जो मैप में देख सकते हैं। देयर आर
फाइव ओशियन नेमली, जो ओशियन है कितने ओशियन है मेनली इम्पॉर्टेंट, मुख्यतः पांच ओशियन है। द नेम ऑफ दीज ओशियंस आर, इस ओशियन का नाम क्या है, पैसिफिक, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द साउथर्न एंड द आर्टिक। ये जो नाम बताए गए ये पांच ओशियंस के नाम है, क्या क्या, पैसिफिक ओशियन, द आर्टिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द साउथर्न ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन, ये पांच ओशियन है। द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, और जो पैसिफिक ओशियन है जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। अदर देन द ब्लू ओशियंस द मैप आल्सो शो लार्ज लैंडमार्क्स कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स मैंने क्या बताया आपको अभी, महाद्वीप। जो ब्लू ओशियंस क्या बोल रहा है, जो मैप है सिर्फ ब्लू ओशियंस को नहीं दिखाता, इसके अलावा जो लैंड का पार्ट है, जो लैंड का जो बड़ा सा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, उसके कॉन्टिनेंट को भी शो करता है। दे आर सेवन कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट आर। अब हम पढ़ेंगे उसके साइज, सबसे बड़े से सबसे छोटा के क्रम में पढ़ेंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये सारे क्या है, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। द कॉन्टिनेंट्स हैव मेनी कंट्री, द कॉन्टिनेंट्स हैव मेनी कंट्री, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें बहुत सारे कंट्रीज, कंट्रीज मीन्स देश, और कंट्री इंडिया लाई इन एशिया, एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो हमारा कंट्री इंडिया, जो भारत है हमारा देश, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया, और एशिया कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। हेयर आर द पिक्चर्स यू सी द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। यहाँ ही पिक्चर जो शो कर रहा है कॉन्टिनेंट और ओशियन। लुक एट दिस पिक्चर, आर्टिक ओशियन हेयर, हेयर इज द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, अंटार्कटिका, इंडियन ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, ये सारे ओशियंस। नाउ लेट्स सी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ऑल दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ये सारे इस पिक्चर में आप कॉन्टिनेंट्स भी देख सकते हैं और ओशियंस भी देख सकते हैं। नाउ वी स्टडी डायरेक्शन ऑफ मैप। अब हम लोग मैप में जो डायरेक्शन मतलब दिशाएं, अब उन दिशाओं के मैप में कौन सा दिशा किस, उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर फोर मेन डायरेक्शन, नेमली नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और कौन कौन से डायरेक्शन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है एंड साउथ, ये चार डायरेक्शन है। डायरेक्शन हेल्प्स अस फाइंड प्लेसेस ऑन मैप। डायरेक्शंस दिशाएं क्या मदद करती है, डायरेक्शन को मदद, हम डायरेक्शन कैसे जान सकते हैं, किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से। द सन राइजेज इन ईस्ट, सन किधर से, सूर्य किधर से उदय होता है, ईस्ट से, एंड सेट इन द वेस्ट, और कौन से डायरेक्शन में उसका सेट होता है, डूबता है, वेस्ट से। इफ़ वी आर स्टैंडिंग विथ आवर राइट हैंड स्ट्रेचेज टूआर्ड द राइजिंग सन, स्ट्रेच आवर राइट हैंड इज पॉइंटेड टूआर्ड द ईस्ट। क्या बोल रहा है, स्ट्रेचेज मीन्स क्या होता है, खिंचाव, खींचना। क्या बोल रहा है, इफ़ वी आर स्टैंडिंग विथ आवर राइट हैंड स्ट्रेचेज टूआर्ड द राइजिंग सन, बोल रहा है जब हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करके खींच के उसके राइजिंग सन की तरफ खड़े होंगे, आवर राइट हैंड पॉइंटिंग टूआर्ड द ईस्ट, और जो हमारा राइट हैंड किस डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ईस्ट के बारे में। इफ वी स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड इट्स पॉइंट टूआर्ड द वेस्ट, और जब हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके खड़े होंगे खींचेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन को बताएगा, वेस्ट को बताएगा। नॉर्थ विल बी इन फ्रंट ऑफ अस वाइल साउथ विल बी बिहाइंड अस। क्या बोल रहा है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इन फ्रंट आगे होगा और साउथ डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की ओर होगा। समझ आया बच्चों कि जब हम लोग अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे सन, राइजिंग सन की तरह, तो वो कौन से डायरेक्शन को बताएगा, ईस्ट को, और जब हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे राइजिंग सन तो वो कौन से डायरेक्शन को बताएगा, वेस्ट के बारे में। और नॉर्थ डायरेक्शन किधर होगा, इन फ्रंट, और साउथ डायरेक्शन बिहाइंड होगा, पीछे होगा।
लुक एट दिस पिक्चर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ कंपास। ये पिक्चर है किस चीज़ का, कंपास से। इस कंपास के माध्यम से पहले के ज़माने में लोग डायरेक्शन को फाइंड करते थे। ये कंपास शो करता है कौन सा डायरेक्शन कौन सा है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंडिया, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैप। इस पिक्चर में आप डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दिस पार्ट इज नॉर्थ, दिस पार्ट इज साउथ, दिस पार्ट इज ईस्ट एंड दिस पार्ट इज वेस्ट। क्या क्या मतलब, जो टॉप में है वो ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, जो सबसे नीचे है वो कौन सा पार्ट, साउथ पार्ट। दिस पार्ट राइट हैंड के साइड की तरफ कौन सा आ जाता है, कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट ईस्ट। एंड लेफ्ट हैंड के साइड की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। नाउ वी स्टडी ऑन ए मैप द टॉप शो नॉर्थ। हम जो टॉप में मैप में जो सबसे टॉप में होता है, अभी आपने देखा कि जो सबसे टॉप में था नॉर्थ था, एंड द बॉटम साउथ, और जो सबसे नीचे होता है वो साउथ होता है। ईस्ट इज ऑन द राइट, ईस्ट कहाँ पे, राइट पे, और वेस्ट लाई ऑन द लेफ्ट, और वेस्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट में। वंस वी नो दिस डायरेक्शन इट बिकेम ईजियर फॉर अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन ए मैप। वंस वी नो, अगर एक बार हम डायरेक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ले तो ये बहुत आसान होता है मैप में हम डायरेक्शन को जान सके। अ लॉन्ग टाइम अगो ट्रेवलर कुड रीच वेयर दे वर गोइंग बाई यूजिंग द सन टू फाइंड डायरेक्शन। बहुत बहुत साल पहले जो ट्रेवलर थे वो डायरेक्शन को खोजने के लिए क्या कर किस चीज़ का यूज करते थे, सन के माध्यम से वो अपने डायरेक्शन को जानते थे। सूर्य के माध्यम से ही वो अपने डायरेक्शन को जानते थे। बट वाट वुड दे डू ऑन क्लाउडी डे और वेन द सन कुड नॉट बीन सीन। पर जब तब क्या होता था, तब वो कैसे जानेंगे, जब क्लाउडी डे, जब आसमान में बहुत सारे बादल छाए हो, और तो हम क्या करेंगे जब सन ना दिखे, तो हम वो लोग कैसे डायरेक्शन पा सकते हैं, देख सकते हैं। ऑन इवन इट वॉज नाइट एंड देयर वॉज नो सन, और जब रात के समय हो और जब सन ना हो, तो हम डायरेक्शन पहले के दौरान डायरेक्शन सही ढंग से नहीं पा सकते। फॉर सेंचुरी सेलर्स एंड द अदर ट्रेवलर हैव यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास। सेंचुरी, वन सेंचुरी में 10 ईयर्स होते हैं, तो फॉर सेंचुरी बहुत हंड्रेड होते हैं, तो हम सेंचुरी में जो सेलर और जो ट्रेवल है, तो उन्होंने क्या एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, कंपास, टू फाइंड डायरेक्शन। किस चीज़ का कंपास का यूज करते हैं, डायरेक्शन को पाने के लिए। द कंपास हैज़ अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। जो क्या बोल रहा है, जो कंपास है ना, उसमें हमेशा नीडल होता है, उसमें सुई होती है, जो हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड होता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। सो वाट एवर दैट वेदर द ट्रेवलर वुड नो वेयर द नॉर्थ वाज, और जिस तरह से वो जान पाते हैं ट्रेवल की किधर है नॉर्थ। फ्रॉम दिस दे वर एबल टू फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, और इसी से वो अपने और दूसरे डायरेक्शन को दिशाओं के बारे में जानते थे। द कंपास इज यूज इवन टूडे टू फिगर आउट डायरेक्शन, और जो कंपास है ना, इस समय अभी भी कंपास का यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन को, दिशाओं के बारे में जानने के लिए। वी लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज योर कंपास। यह पिक्चर है जो कंपास है, बता रहा है ये कंपास है, और ये लुक एट दिस, दिस इज योर नीडल, जो नीडल क्या है, हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड रहता है, और जब इधर नॉर्थ है तो बॉटम में क्या होगा, साउथ, और इस साइड हो गया ईस्ट, एंड देन इस साइड हो गया वेस्ट। और ये कंपास बहुत हेल्पफुल होता है डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए, आज भी लोग कंपास का यूज़ करते हैं डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो हमने क्या जाना, डायरेक्शन ऑफ मैप में कितने डायरेक्शन होते हैं, कितने 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर की ओर, साउथ क्या होगा, नीचे, और वेस्ट किधर होगा, राइट हैंड का साइड, और वेस्ट कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड के साइड। ये चारों डायरेक्शन आप जान गए।
नाउ वी स्टडी अबाउट आवर इन्वायरमेंट. अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में. इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक प्लांट, एनिमल, लैंड, हाउसेस, पीपल एंड etc. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हुआ, लैंड हुआ, हाउस हुआ, पीपल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने चारों तरफ दिन प्रतिदिन देखते हैं. एयर एंड वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड अस. और जो एयर है और वाटर है, जो वो भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मेक अप आवर एनवायरनमेंट. जो हमारा वातावरण है वो क्या, दोनों मिलकर, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाता है. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द प्लेस वी लिव इन आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. जो एयर हम लेते हैं ब्रीथ, सांस लेने के लिए, वो जो पानी पीने के लिए होता है, पीते हैं, जो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं, ये सारे चीज़ क्या है, हमारे एनवायरनमेंट है. मिलकर ये सारे चीज़ क्या है, एनवायरनमेंट है. बच्चों मतलब हम रोज़ जो प्रतिदिन हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे प्लांट हुआ, पेड़ पौधा, फैक्ट्रीज, लैंड, वाटर, हाउसेस, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए दो चीज़ें होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग वे होता है विच हैज दोज थिंग विच आर लाइव, जो जीवित हो, विच कैन मूव, विच कैन ब्रीथ, तो वो सारे लिविंग होते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग विच आर नॉट मूवेबल. नॉन लिविंग थिंग वो ना मूव कर सकते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं. विच कांट ब्रीथ, विच कांट मूव, विच कांट डू एनीथिंग, तो उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स वी थ्रो अवे एज वेस्ट. और बहुत सारी चीज़ें वो हम चीज़ों को फेंकते हैं वेस्ट की, गंदगी. वेस्ट मीन्स गंदगी की तरह. सम ऑफ दिस वेस्ट रोट एंड डिके वाइल सम ऑफ डज नॉट. कुछ चीज़ों जो कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ गंदगी होते हैं, क्या रोस्ट हो जाते हैं और कुछ डिके हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते, जो वो जो के तो हो जाते रहते. डिके मीन्स क्षय होना, मतलब कुछ ऐसे हम रोज़ प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ों को हम वेस्ट की तरह, गंदगी की तरह फेंकते हैं. उनमें से कुछ होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक. वो बहुत साल लेता है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे मिट्टी में डिके होने के लिए. थिंग्स विच डू नॉट डिके पोल्यूट द इन्वायरमेंट. और वह चीज़ जो डिके नहीं होते, वह चीज़ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित. पॉल्यूट मतलब गंदा करना, पॉल्यूट करते हैं. इफ़ समथिंग इज पॉल्यूटेड इट मीन्स डैट इट हैज़ बीन मेड डर्टी एंड इम्प्योर. और कुछ ऐसे चीज़ जो पॉल्यूट होते हैं, इसका यह मतलब वो डर्टी है, वो गंदा है और इम्प्योर, अशुद्ध है. इम्प्योर मीन्स अशुद्ध है. जो भी चीज़ डिके नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो उसके माध्यम से, उसके कारण ही हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, गंदा होता है और इम्प्योर होता है. लेट अस रीड हाउ आवर एनवायरनमेंट गेट पॉल्यूटेड. अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट, वातावरण गंदा होता है, पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है. हेयर आर द पिक्चर यू सी इन दिस बुक. हेयर आर द एनिमल, हेयर आर द प्लांट एंड हेयर आर द पीपल. ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है. ये क्या है, पीपल क्या है, लिविंग थिंग है. एनिमल क्या है, लिविंग थिंग है. बट प्लांट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. विच कैन ग्रो, प्लांट ग्रो हो सकता है, लेकिन ग्रो सकता है ना. नाउ वी स्टडी अबाउट एयर पॉल्यूशन. अब हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में. एयर पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण. पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण. तो हम लोग एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषित, हवा कैसे, हमारा जो हवा है कैसे प्रदूषित होता है, उसको पढ़ेंगे. क्या है हवा प्रदूषण. एयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़. सम ऑफ दीज आर एज फॉलो. पॉल्यूटेड मतलब गंदा होना, प्रदूषित होना, और एक्टिविटी मीन्स गतिविधियाँ, जो हम कार्य क्रिया कहते हैं उसको एक्टिविटी कहते हैं. तो हवा जो एयर गेट पॉल्यूटेड, हवा कैसे पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी, जो हमारे जो मनुष्य डिफरेंट डिफरेंट जो गतिविधियाँ करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसके कारण. सम ऑफ दीज आर फॉलो, कुछ इसमें से दे रखा है, अब वो आप देखें. सम गिवन आउट बाई द फैक्ट्री एंड व्हीकल्स. कुछ स्मोक, कुछ
जो स्मोक आता है, जो धुआं आता है, वो कहाँ से? फैक्ट्री और व्हीकल से। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल, फायर क्रैकर, जो फायर क्रैकर्स क्या हो, जो आप पटाखे, जो दिवाली में आप पटाखे जलाते हैं उसको हम फायर क्रैकर्स कहते हैं। जो फेस्टिवल के समय, पर्व के समय जो फायर क्रैकर जलाते हैं, उसके कारण जो उसमें से धुआं निकलता है, उसके कारण हमारा एयर क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। और एयर पॉल्यूशन के कारण ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब श्वास लेने में डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण कौन सा डिजीज होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। एयर पॉल्यूटेड एयर इज बैड फॉर प्लांट एंड एनिमल टू। और जो पॉल्यूटेड, प्रदूषित हवा होता है ना, जो पेड़ है और जो जानवर है उनके लिए भी बहुत हानिकारक होता है। एयर पॉल्यूशन ह्यूमन बींग के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता ही है, लेकिन वो जो हमारे प्लांट है और जो हमारे एनिमल है जिसमें ब्रीथ करते हैं हवा को, वो भी उनके लिए भी डेंजरस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। अब हम लोग वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। वाटर ऑफ द रिवर लेक इज ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड। जो पानी रिवर और लेक में होता है, वो भी क्या है, प्रदूषित है, हो जाते हैं। सम एक्टिविटी डेट काउज वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलो। कुछ एक्टिविटी है, कुछ गतिविधियाँ जिनके कारण जो हमारा पानी है, जो हमारा वाटर बॉडी है, वो भी प्रदूषित हो जाता है। तो हम कुछ में उनमें से कुछ हम जानेंगे। बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल इन वाटर बॉडीज। क्लॉथ मीन्स तो आपको पता होगा, कपड़े। यूटेंसिल मीन्स क्या होता है, बर्तन। जो बाथिंग एंड वॉशिंग, जब हम लोग अपने यूटेंसिल को, कपड़ों को धोते हैं और यूटेंसिल को धोते हैं वाटर बॉडीज़ में, जिसके कारण उनमें से जो डिटर्जेंट निकलते हैं वो हम लोग पानी में जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड होता है। बाथिंग ऑफ एनिमल इन पॉन्ड रिवर एंड रिवर। जब हम लोग एनिमल को जानवरों को जो पॉन्ड में नहलाते हैं, पॉन्ड रिवर लेक, जिसके कारण हमारा वाटर बॉडी पॉल्यूटेड होता है। डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इन टू वाटर बॉडी। और जो गंदगी जो हमारे घर से और फैक्ट्री से, फैक्ट्री मीन्स कारखाना है, उनमें से जो गंदगी निकलता है और वो डायरेक्ट जो हम जब वाटर बॉडीज में डालते हैं, उसके कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज मैनी डिजीजेस मीन्स रोग। वाटर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड। क्या क्या हो जाता है, जॉन्डिस और टाइफाइड। इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी मे फॉल इल। अगर हम पॉल्यूटेड, प्रदूषित पानी पियेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। हेयर आर द पिक्चर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। लोग क्या करते हैं, अधिकतर वाटर बॉडीज में जाके अपने गंदगी को डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। एंड हेयर आर द पिक्चर ऑफ एयर पॉल्यूशन। आप देख रहे हैं जैसे इंडस्ट्री से कितना सारा स्मोक निकल रहा है और जो जाके हवा में मिल रहा है, तो ये स्मोक्स क्या है, डेंजरस है। किसके लिए, हमारे एनिमल के लिए भी डेंजरस है, पीपल्स के लिए भी डेंजरस है और प्लांट्स के लिए भी डेंजरस है। नाउ वी स्टडी अबाउट लैंड पॉल्यूशन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पॉल्यूशन। क्या ये सारे एक्टिविटी, ये सारे गतिविधियाँ हैं जिसके कारण लैंड पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है। थ्रोइंग गारबेज इन द ओपन। जो हम गंदगी खुले में फेंक देते हैं, उसके कारण पॉल्यूशन फैलता है। ओवर यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाई फार्मर। फार्मर क्या यूज करते हैं, जब क्रॉप उगाते हैं तो फर्टिलाइजर जो अधिक यूज करने, फार्मर जब अधिक यूज कर देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, उसके कारण भी लैंड पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण लैंड अनफर्टाइल भी हो जाता है, जो उपयोगी नहीं होता है। थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड पॉलीथीन्स बैग इन ओपन लैंड। और जो हाउस होल्ड का जो गंदगी है और पॉलीथीन में करके ओपन, खुले आसमान के नीचे फेंक देते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट बाई फैक्ट्री इन ओपन लैंड। जो फैक्ट्री के द्वारा, कारखानों के द्वारा जो गंदगी निकलते हैं, वो भी ओपन, खुले स्थान पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण लैंड पॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में देखिए लैंड पॉल्यूशन कैसे लोगों ने
और फैक्ट्रीज के गंदगी इसमें फेंके हुए, आप इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे लैंड हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है। नॉइस पॉल्यूशन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या बोल रहा है कि हम बहुत समय क्या करते हैं, डिफरेंट द काइंड मतलब प्रकार, डिफरेंट तरह के साउंड्स को, आवाज़ों को सुनते हैं। सम साउंड आर प्लीजेंट एंड दे गिव अस गुड फीलिंग, कुछ साउंड बहुत अच्छे होते हैं, जिस साउंड से हमें बहुत अच्छा फीलिंग होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। सम साउंड आर नॉट प्लीजेंट, कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो अनप्लीजेंट होते हैं, अच्छा नहीं होता, जे काउज इरीटेशन, जिसके कारण इरीटेशन होता है, आपको घबराहट होता है, बहुत अजीब बेचैनी होने लगता है। साउंड विच इज नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर इज नॉइस, वह साउंड जो हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते उस साउंड को क्या बोलते हैं, नॉइस। नॉइस मीन्स शोर। वेन देयर इज टू मच नॉइस इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन, जब कभी बहुत ज़्यादा शोरगुल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। सम कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर एज फॉलो, कुछ कारणों को देखेंगे जिसके कारण नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। इंडोर एक्टिविटी लाइक लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक एंड टेलीविजन, इंडोर मतलब घर के अंदर, जो चीज़ घर के अंदर या स्कूल के अंदर जो चीज़ अंदर उस एक्टिविटी, जैसे हम लोग साउंड म्यूजिक सुनते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, टेलीविजन, जिससे उसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। एक्सेसिव हॉर्निंग बाई व्हीकल, और जो हमारा व्हीकल है, जो हमारे जो चारपाई जो गाड़ियाँ हैं उनसे जो हॉर्न की जो आवाज़ होती है तेज, उसके कारण एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन होता है। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स जब हम जलाते हैं जिससे वो साउंड निकलता है, उसके कारण साउंड पॉल्यूशन होता है। यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जो स्पीकर लाउड स्पीकर यूज होता है उसके कारण क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है। लाउड नॉइसेस हार्म आवर ईयर एंड कैन डैमेज आवर हियरिंग एबिलिटी, जो लाउड नॉइस है, जो तेज़ शोरगुल है ना, हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है, और जिसके कारण हमें सुनने की जो क्षमता है कमी हो जाती है, जिसमें सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम होने लगता है। नाउ वी स्टडी अबाउट डू एंड डजेंट टू सेव एनवायरमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने एनवायरमेंट को, अपने वातावरण को सुरक्षित करने के लिए। सेव मतलब सुरक्षित करना। प्रेफर टू वॉक और राइड बाईसाइकिल और शॉर्ट डिस्टेंस, क्या करना चाहिए हमें, बाइक, जब हमें कम दूरी पे जाना हो तो क्या यूज करना चाहिए, बाइक और या तो पैदल जाने का कोशिश करना चाहिए। प्लांट्स मोर ट्री दे यूज अस टू कीप द एयर क्लीन, और अधिक से अधिक मात्रा में हमें ट्री को लगाना चाहिए जिससे वो एयर को क्लीन कर सके। डोंट बर्न ड्राई लीफ बिकॉज द स्मोक दैट इज इमिटेड इन द प्रोसेस मेक द एयर डर्टी, क्या बोल रहा है कि हमें जो सूखे पत्ते उनको जलाना नहीं चाहिए, जिसके कारण उसमें से जो स्मोक्स निकलते हैं वो स्मोक्स क्या करते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं। डिग ए होल इन द गार्डन एंड पुट द ड्राई लीफ इन इट, क्या करना चाहिए, हमें एक गड्ढा खोदना चाहिए गार्डन में और उस ड्राई लीफ को उनमें डाल देना चाहिए। कवर द होल लीफ विद द सॉइल, और उस होल को सॉइल से ढक देना चाहिए। सम ऑफ द लीफ विल नॉट मेक मैन्योर एंड द मैन्योर मेक द सॉइल फर्टाइल और गुड ग्रोइंग फॉर मोर प्लांट, और जो इनमें से जो कुछ लीव हैं क्या होते हैं, मैन्योर की तरह यूज होते हैं और हमें हमारे प्लांट को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिससे प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। प्लास्टिक बैग पॉल्यूट्स लैंड एंड वाटर, प्लास्टिक बैग के कारण लैंड और वाटर पॉल्यूशन होता है। यूज पेपर और क्लॉथ्स बैग, अब हमें कौन सा बैग, किस तरह का बैग यूज करना चाहिए, पेपर और क्लॉथ्स बैग। जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिके नहीं होते, इसलिए उनके कंपेरिजन में पेपर और क्लॉथ्स बैग का यूज करना चाहिए। लिसन टू म्यूजिक ऑन ए लो वॉल्यूम, हम अपने जो म्यूजिक सुनते हैं उनको क्या करना चाहिए, कम वॉल्यूम पे सुनना चाहिए, कम आवाज़ पे सुनना चाहिए, जिससे नॉइस पॉल्यूशन कम होगा। नाउ वी स्टडी अबाउट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, अब हम लोग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर थॉट हु कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन, रोड्स, etc,
क्या कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि किसने हमारे लिए निर्माण किया है हॉस्पिटल का, स्कूल का, रेलवे स्टेशन, रोड और इन इत्यादि हमारे लिए? यस, इट इज आवर गवर्नमेंट डैट लुक आफ्टर द नीड वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल इन द कंट्री। हाँ, ये जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन, ये सारे किसने बनाए हैं? ये हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं। किस लिए? हम जो जनरल पीपल है, जो पब्लिक है हमारे कंट्री के, उनके वेलफेयर के लिए, उनके और उनके सेफ्टी के लिए। द गवर्नमेंट फ्रेम लॉ और रूल टू रन द कंट्री। गवर्नमेंट क्या करता है, एक देश को चलाने के लिए एक लॉ बनाता है, रूल बनाता है, जिसके ही हमारा देश चलता है। इट इज़ द गवर्नमेंट विच डिसाइडेड वेयर टू बिल्ड स्कूल, रोड, हॉस्पिटल, पार्क, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। इट इज़ द गवर्नमेंट, ये स्टेडियम, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे रेलवे स्टेशन, ये कौन बनाने का, किसका बना, किसके द्वारा बनवाया जाता है? हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। वही डिसाइड करता है कि ये चीज़ें कहाँ पे बनेगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, ETC। और जो हमारा गवर्नमेंट है वो और भी बहुत सारी चीज़ों का सुविधा देता है, जैसे कौन कौन से सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर हुआ, टेलीफोन, ये सारी फैसिलिटी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करता है स्टेट टू स्टेट, विलेज टू विलेज, ये सारे हमारे पब्लिक के लिए। देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। देयर आर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और वो दो गवर्नमेंट कौन सा है? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट मीन्स मतलब राज्य सरकार। हमारा जो इंडिया है, जो हमारा कंट्री है, उनमें दो तरह के गवर्नमेंट है, दो तरह के सरकार होते हैं। और पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। इनके माध्यम से ही हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को चलाया जाता है। नाउ स्टडी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, कि जो पूरे कंट्री के, पूरे देश के सेफ्टी और वेलफेयर का देखता है। इट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द इंडिया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे बेस्ड होता है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली कहाँ, किसका कैपिटल है? इंडिया का। वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज द मेम्बर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं, जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनते हैं। यहाँ पे हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में क्या है, पब्लिक चुनता है अपने सरकार को अपने हिसाब से। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कौन, क्या क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और भी मिनिस्टर होते हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट को। दे लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। और ये सारे कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं, और वहीं से अपना कार्यभार संभालते हैं, वहीं से सारे कार्य करते हैं, पूरे कंट्री को देखते हैं, पूरे कंट्री की सेफ्टी और उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें निर्माण करते हैं, तरह तरह के रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं जिससे इंडिया के लोग अच्छे से रहे और अच्छे से रह सके। द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडिया का। इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री। जो हमारा देश है, हमारा भारत, प्यारा भारत, वो क्या है, उस बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। इट पॉपुलेशन इज मोर देन 125 करोड़। और इसका पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? जनसंख्या। इसका पॉपुलेशन, इसका जनसंख्या कुल कितना है? मोर देन 125 करोड़ से अधिक के यहाँ की जनसंख्या है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड ऑफ मच अ बिग पॉपुलेशन ऑल बाई इट। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफ़िकल्टी होता है, प्रॉब्लम होता है, कि वो इतने बड़े पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या को अपने आप से देख सके, उनके सारी ज़रूरतों को देख सके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। द कंट्री इज़ देयर फॉर डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट और स्टेट। इसलिए हमारे कंट्री को, देश को छोटे छोटे भाग में बांटा गया और स्टेट्स में बांटा गया, राज्यों में बांटा गया।
क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार है वो अकेले इस इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री को नहीं देख सकता एक पूरी तरह से, इसलिए उसने इस कंट्री को स्मॉल स्मॉल पार्ट और स्टेट्स में डिवाइड किया, जिसकी वजह से वो हर एक पार्ट पे हर एक भागे को, हमारे हर एक पार्ट ऑफ कंट्री को देख सके। ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट, हर एक स्टेट का हर एक राज्य का अपना गवर्नमेंट होता है, विच लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट, जो कार्य करता है अपने स्टेट के, अपने राज्य के लोगों के सुख सुविधा के लिए काम करता है। देर आर 29 स्टेट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 29। एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन कैपिटल, और हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का उसका अपना कैपिटल है। इन अ स्टेट देयर इज अ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हु रन द गवर्नमेंट टुगेदर। इन स्टेट गवर्नमेंट में ये सारे होते, एक स्टेट को चलाने में इन सारे मिनिस्टरों का काम होता है। देयर इज अ गवर्नर, उसका उस राज्य का एक गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और सीनियर गवर्नमेंट्स होते हैं जो उस वो जो सब मिलकर वहाँ के राज्य को अच्छे तरह से चलाते हैं। द गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर लिव इन द स्टेट कैपिटल, जो गवर्नर है और जो चीफ मिनिस्टर है वो कहाँ रहते हैं, जो उस स्टेट के कैपिटल में रहते हैं। बिसाइड द स्टेट देयर आर 7 स्मॉलर एरिया डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज भी रहते हैं। दीज आर नोन एज यूनियन टेरिटरी, और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। एमंग द यूनियन टेरिटरी द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बिगेस्ट एंड द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट। इन सब यूनियन टेरिटरीज में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी विद द स्टेटस ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली जो हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, और दिल्ली भी क्या है, यूनियन टेरिटरी। जो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, उसको किस चीज़ का स्टेटस मिला है, किस चीज़ से उपाधि दी गई, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसको हम लोग किस नाम से इसको जानते हैं, स्टेटस है नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जानते हैं। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अलॉन्ग देयर कैपिटल। यहाँ पे लिस्ट दे रखा है स्टेट और यूनियन टेरिटरी का और उसके कैपिटल के साथ। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूनियन टेरिटरी और कैपिटल। अब हम उस यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैपिटल के बारे में जानेंगे। अंडमान और निकोबार का कैपिटल पोर्ट बेरले। दमन एंड दीव का कैपिटल दमन। लक्षद्वीप का कैपिटल कवाती। नेशनल यूनियन टेरिटरी दिल्ली इज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं। चंडीगढ़ का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। दादर एंड नागर हवेली का कैपिटल क्या है, सिलवासा। पुडुचेरी का कैपिटल क्या है, पुडुचेरी। और जो हमारा जो स्टेट कैपिटल है न्यू दिल्ली, किसका कैपिटल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का ये कैपिटल है न्यू दिल्ली। नाउ वी स्टडी स्टेट एंड देयर कैपिटल। अब हम स्टेट और उसके कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। असम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का दो कैपिटल होता है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। समर में जब होता है तो उसका श्रीनगर होता है, और जब विंटर का समय आता है तो जम्मू होता है। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला त्रिवेणीपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलांग। मिजोरम ऐजवाल। नागालैंड कोहिमा।
उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून एंड वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। ये सारे आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कैपिटल पढ़ा है, आप इनको याद कर सकते हैं। दो वी मे लिव इन डिफरेंट स्टेट, देयर इज वन बॉन्ड वी ऑल शेयर। हम अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और अपना अलग अलग बॉन्ड शेयर करते हैं। वी आर ऑल इंडियंस, क्योंकि और एक ही चीज़ शेयर करते हैं और हम सारे क्या है, इंडियंस है, भारतीय है। वी शुड बी प्राउड टू आवर कंट्री एंड आवर स्टेट, हमें अपने देश और हमें अपने राज्य पर प्राउड गर्व फील करना चाहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।